आखिरकार विधायक साहब का संकल्प पूरा हो ही गया। संकल्प लेने वाले विधायक कोई और नहीं बल्कि मनिहारी के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह है। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व इन्होंने यह संकल्प लिया था कि चाहे जो हो जाए वे अपने कार्यकाल के दौरान मनिहारी अहमदाबाद मुख्य सड़क से लेकर अली नगर दियारा तक की सड़क का निर्माण कराकर रहेंगे। इस सड़क की लंबाई लगभग 8.65 किलोमीटर है जिसके निर्माण की मांग यहां के लोग कई वर्षों से कर रहे हैं। इस सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण यहां के लोग काफी निराश भी थे और इसलिए उन्होंने 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान वोट का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया था। लेकिन मनोहर प्रसाद सिंह के समझाने बुझाने और सड़क निर्माण का संकल्प लेने के बाद वहां के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया था। इस सड़क निर्माण को लेकर विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने काफी जंतोजहद की, यहां तक कि विधानसभा में भी बुलंदी के साथ अपने इस मांग को रखा। आखिरकार विधायक महोदय की मेहनत ने रंग दिखाया और आज उनका संकल्प भी पूरा होने जा रहा है। आज स्वयं विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने अपने संकल्पित इस अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास कर दिया। रतन हाथ पीछे कर। अरे बीच में आवा ना, उठाने फोटो मोबाइल हटा सुल्तान। इस सड़क की निर्माण लागत 19 करोड़ 40 लाख और लंबाई 8.65 किलोमीटर है। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग भी मौजूद थे। संकल्प पूरा होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने हमारे मनिहारी संवाददाता मिठू को बताया कि चिर प्रतीक्षित सड़क थी, लेकिन जो वोट का बहिष्कार हुआ था गलत हुआ था, क्योंकि वोट के बहिष्कार के पहले ही यह स्वीकृति के लिए चला गया था और मैंने सबको बता भी दिया था कि स्वीकृति के लिए चला गया है और मैंने लिख कर भी दिया था कि भाई जल्दी से स्वीकृत कर दीजिए, नहीं तो 2020 का जो आचार संहिता है उसमें लागू हो जाएगा तो फिर ये स्वीकृत नहीं हो पाएगा। तो हो नहीं सका, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई यह जो वोट का बहिष्कार है गलत है, यह राजनीति प्रेरित है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, लोगों को इस सड़क बनना है, चूँकि प्रस्ताव किया सड़क बनना ही है। कांग्रेस ने देश में सुई से लेकर जहाज तक बनाने का काम किया है। यार जी, मैं यही विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ये पुल पुलिया का काम जो हो रहा है बहुत अच्छा ढंग से हो रहा होना चाहिए और ये पुल पुलिया जो से किसी तरह का लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ढंग से काम होना चाहिए। और मेरे यहाँ जो उर्दू प्राथमिक मुक्त विद्यालय है उसको मिडिल स्कूल से जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे को जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं लड़का दोनों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वो यहाँ से गुवाहाटी पढ़ने के लिए कोई जाते हैं, कोई कांडा को जाते हैं। झंडा के नीचे में रह के और कांग्रेस परिवार और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी बलिदान दिए हैं, ये बहुत बहुत। बैरिया से आए हैं मोहम्मद राजीव जी, अपनी दो बात रखते हैं। रोड का लेंथ है जो 8.65 किलोमीटर है, हाई लेवल ब्रिज है जो 6 स्पैन का है, ग्रामीण कार्य विभाग से बन रहा है। ये हमारे पंचायत के बहुत ही बड़ी मांग थी जनता का, जो माननीय विधायक के महोदय के अथक प्रयास से यह सफल हुआ, आज इनका शिलान्यास भी हुआ और सारे ग्रामीण में बहुत ही हर्ष है, खुशी है कि जो मांग है वह पूरा हो चुका है। इसमें यही हम लोग कहना चाहते हैं कि विरोधी लोग जो है कुछ ऐसा तबका का लोग था आपराधिक वाला कि वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन विधायक जी का बहुत प्रयास से जो है ये रोड हम लोग को नसीब हुआ। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी ना भूल पाएंगे आप, मामास फूड कॉर्नर। जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी।
चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।